बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैमूर अबाजी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल देसी लाइव। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग सब ठीक होंगे, जहां भी रहें खुश रहें बाद रहें। फ्रेंड तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड आज के व्लॉग में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और फैब्रिक जो अड्डे के साथ मैंने इसको एंकर दिया हुआ है। अब इसके ऊपर मैं आपको स्केचिंग करने का तरीका पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, लेकिन आज मैं एक न्यू फ्रेश पीस के ऊपर स्केचिंग कर रहा हूं। आपको मैं उसको बताऊंगा कि कैसे स्केचिंग करके और इसके ऊपर फिर वो जिस तरह तेल के साथ वो छापा जिसे कैसे स्केचिंग करते हैं, जिसके साथ मोटिव तैयार होता है वो कैसे बनेगा, तो मैं आपको वो बताऊंगा। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले कपड़े को हमने फैब्रिक को हैंग कर दिया हुआ है फ्रेम के साथ। उसके बाद हमने जो तैयार किया हुआ था ऑयल के साथ वो स्टिकर सब बनाने के लिए, स्केचिंग करने के लिए, वो आस्ता आस्ता से आपने हाथ के ऊपर कोई कपड़ा सा इस तरह या शार्पर वगैरह लगा के तो आपने आराम आराम से वो गीला करके आपने जो फैब्रिक है जो फ्रेम के साथ हैंग किया हुआ उसके ऊपर आपने आराम आराम से इस ऑयल को सारी तरफ से आराम से लगा देना है। तो अब देख रहे हैं मैं आस्ता आस्ता से सारा ऑयल जो मैंने बना लिया हुआ था वो सारा सारा इस फैब्रिक के ऊपर जहाँ जहाँ मैंने ये रखा हुआ है इसके ऊपर स्केचिंग का वो कपड़ा, इसके ऊपर मैं ऑयल लगाऊंगा। उसके बाद जो हमारा मोटिव हमने तैयार किया है स्केचिंग के ऊपर, जो स्केचिंग हमने पहले पेंसिल के साथ कर लिया था वो स्केचिंग और नीचे जाके कपड़े के जो मोटिव है वो तैयार आ जाएगा नीचे। तो मूवी बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, आप एंड तक देखिएगा मेरी मूवी, फिर जाके आपको समझ आएगी मेरी वीडियो की। तो किसी भी सिस्टर को अगर अपने शादी ब्राइडल का सूट या पार्टी वेयर का या किसी किस्म का भी, मेरे भाई हैं शेरवानियाँ या किसी किस्म का भी अगर आप काम करवाना चाहें तो आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं, हम आपको काम करके देंगे। डिस्क्रिप्शन पे मैं अपना नंबर भी डाल दूंगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, मुझे फीडबैक, प्यारा सा फीडबैक भी दिया करें। इसी तरह मैं आपके लिए और भी अच्छे से इंफॉर्मेटिव वीडियो और इससे अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा इंशाल्लाह। तो फिर देखें आस्ते आस्ते से इसको मैं लगा रहा हूँ और ये सारा जब तक ये सारा क्लियर नहीं हो जाता जहाँ तक हमने मोटिव तैयार किया है स्केचिंग की थी उस एरिए के ऊपर सारा सा हमें ऑयल लगा लेना है अच्छे से, ताकि जो हमने स्केच किया हुआ था वो नीचे कपड़े के अंदर आराम से बैठ जाए मोटिव तैयार होके। तो आप देख रहे हैं, तो अब इसके आराम से कपड़ा लेके साफ़ कपड़ा ऊपर आपने आराम आराम से इसे मलना है, मल के नीचे हमारा जो ट्रेस है वो नीचे उतर चलेगा जाएगा, जो फैब्रिक के ऊपर देखे हम हमारा जो मोटिव हमने तैयार किया था वो बिल्कुल हमारा मोटिव तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हम रेशम वर्क करेंगे, जो मोटिव हमने स्केचिंग किया था उसके साथ साइडों पर हम रेशम का वर्क करेंगे, उसके बाद जो इसके अंदर जो उसका बाकी काम होगा वो फिर वो बाद में होगा। तो अब देखें फ्रेंड्स, किसी ने भी अगर किसी किस्म का कोई भी काम करवाना हो, शर्ट्स का, कुर्ते का डिज़ाइन हो, ब्राइडल का सूट हो, वेलवेट के कपड़े के ऊपर अपने डिज़ाइन बनवाने हो, किसी किस्म का भी, तो आप मुझसे कंटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छे से अच्छे काम मिलेगा इंशाल्लाह। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, आप मुझसे मज़ीद डिटेल भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड देख लें आप, जो रेशम वर्क है ये आपके सामने हो रहा है। देख लें जो हमने स्केचिंग कर रही हुई थी ये हमारा मोटिव जिसके ऊपर रेशम का वर्क है टोटल तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। तो फिर मुझे बताइएगा कि मेरा आज का टॉपिक और वीडियो आपको कैसी लगी। तो मेरे चैनल पे नए फ्रेंड आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें, जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो फ्रेंड जब भी रहें खुश रहें आबाद रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।